यस करूंगा। सर। बताओ कौन कौन से थे? सारे बताने हैं जिसमें मेरे को डाउट है। ओके, नहीं, एक एक करके देख तो लेते हैं ना, डिस्कस तो कर ही लेते हैं ना एटलीस्ट। सबसे पहला था एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। एक एक करके बताना कि इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या है और वेदर वेदर इट इज यू नो इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो लेट मी ड्रॉ अ एक्सिस। तो इसका किस तरीके का ग्राफ बनेगा? सर लाइक वन इज गोइंग स्लोली टू द लाइक कैन आई जस्ट सेंड द पिक्चर टू यू? आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट। सर कर्व्ड ग्राफ होगा और एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा बेंड होगा बजाय बैठ। सर है ना, कह सकते हैं इसको? यस सर। और या सर मुझे ऐसा माफ नीचे भी करना, होगा लाइक नेगेटिव वाई एक्सेस पे भी होगा ऐसा। नेगेटिव वाई एक्सेस पे भी होगा? हाँ, नो सर, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा ना अगर हम उसको फर्दर लिखे तो। श्री बताएंगे कि होगा या नहीं होगा। यू आर गोइंग टू काउंटर वेदर इट इज ही इज सेइंग राइट और नॉट एंड विद रीजन। मैंने बना दिया है, आपने बोला मैंने बना दिया, डॉटेड बना दिया। कैन यू सी द डॉट? यस सर। तो ये ऐसा होगा या नहीं होगा? लाइक अब पता नहीं सर, ऐसे मुझे कमॉन, पहले लगा कि नहीं होगा, बट जो है हरी ने बोला ऐसे देख के लग रहा है हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो अपना कोर क्या कहता है? आप बोलो, देयर मस्ट बी समथिंग कमिंग फ्रॉम इनसाइड। That could be, I think so. But पता नहीं सर, मुझे अभी इट कंफ्यूज इज अ रूट एक्स राइट। है। यस सर। ये रूट किस कैसे नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है? बट एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव ही है ना, तो लाइक अगर मैंने सोचा कि अगर हम एफ एक्स को वाई लिख दें और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो वो भी एक सर सर सिमिलर। सर वाई की वैल्यू हम लोग नेगेटिव डाल ही नहीं सकते अगर। ये वैल्यू अंदर जो है पहली चीज से ये नेगेटिव नहीं हो सकती राइट। एक्स एक्स की वैल्यू यस सर। नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट नहीं डिफाइंड है, तो ये साइड तो पूरा का पूरा गया, लेफ्ट साइड फ्रॉम जीरो, तो उतना तो क्लियर है हमको। दूसरी बात आप बोल रहे हो कि अब ये जो है स्क्वायर रूट के आगे कोई माइनस साइन तो मैंने बनाया नहीं है, तो दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वैल्यू फॉर एक्स इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, नेगेटिव क्यों आएगी? यस तीसरी सर। बात, तीसरी बात, व्हेन यू आर ड्राइंग समथिंग लाइक दिस यू आर एक्चुअली वायलेटिंग द बेसिक कंडीशन ऑफ अ फंक्शन। हाउ? मैंने बस लाइक आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर सम समथिंग लाइक दिस टू बी अ फंक्शन, क्या होती है फंडामेंटल? फॉर एनी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स हमने फंक्शन किसको बोला था? There should be a unique यूनिक वैल्यू, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक यूनिक रिलेशन यूनिक इमेज बनती है। value. बट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में तो ऐसा नहीं होता। आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं, होल्ड योर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपने एक एक्स पे दो वैल्यू ऑफ वाई बना दी, एक ही एक्स पे, तो यानी इसके लिए व्हाट यू आर डूइंग इज काइंड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस व्हिच इज नॉट अलाउड इन ए फंक्शन। सर बट मैनी वन का तो कॉन्सेप्ट ही यही होता ना। मैनी वन और वन मैनी में अंतर है। मतलब वन टू मैनी और मैनी टू वन में अंतर ओ है। इमेज इमेज आपकी मैनी हो सकती है या आपकी प्री इमेज
या जो डोमेन में वो मैन की वैल्यूज के लिए एक शेयर्ड इमेज हो सकती है, इस बात में फर्क पड़ता है। ओके सर, डिस्टिंक्शन है। यस तो फंक्शन के लिए तो ऐसा होना चाहिए भैया, ये हो सकता है। आप एक बार को ये कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ओके, बट वॉट इज नॉट ओके वॉज कि एक एक पॉइंट से दो जगह जा रहे थे। तो आपका ये ग्राफ यहाँ पे नहीं होगा, तो आप इसकी डोमेन देख सकते हो। आई कैन राइट इट एज 0 पर डिफाइंड है, स्क्वायर रूट है, तो आई मेक इट क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। एंड रेंज इज ऑल्सो आप इसको वन वन और ऑन टू और देख लेते हैं साथ के साथ। तो वन वन के लिए क्या बोलते थे हम, कि हम इसमें लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट इंजेक्टिविटी, हम बोलते थे कि वी वुड टेक टू पॉइंट, लेट एक्स एंड वाई बी टू पॉइंट और वी विल इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दीज टू पॉइंट एंड मेक इट इक्वल। यानी वी आर गोइंग टू डू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर टू डिफरेंट पॉइंट मीन रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर हमारा एक ही आंसर आता है कि एक्स टर्न्स आउट टू बी वाई, विच विल कम इन दिस केस व्हेन यू स्क्वायर देम, तो दैट मीन्स इट इज अ वन वन फंक्शन। राइट, इट्स अ यूनिक वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू में हम लोग देखते हैं कि इसके जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उनके लिए सर, लाइक हम एक वाई की वैल्यू लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो एक्स में होता मैप है है कि नहीं, उसके लिए एक यूनिक वैल्यू, और ऐसी हर मैप। जो उसकी रेंज में वैल्यूज हैं उनके लिए क्या वो यूनिकली डिफाइंड है कि नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, लेट 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 अस टेक अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो वी विल टेक अ वैल्यू। एंड वी इक्वेट द फंक्शन इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड देन वट वी ट्राई इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वाई इज गोइंग टू बी यू नो वैलिड। तो यानी हमारा रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यानी ये क्या कह रहा है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई यू कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स विच इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ इट्स वैल्यू, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूनिक। राइट, वाई का स्क्वायर करोगे तो वो यूनिक वैल्यू होगी ना। यस तो वॉट वॉट डू यू से फॉर ऑल, फॉर वाई बिलोंगिंग टू रेंज, जो इसकी रेंज है विच इज एक्चुअली 0 टू इंफिनिटी, वी हैव अ एक्स विच इज एक्चुअली यू नो अवेलेबल, मतलब उसकी वैल्यू डिफाइंड है, एंड दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू बेसिकली इस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हर हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सच दैट कि
अगर हम फंक्शन को इज ऑल्सो वैलिड इज डिफाइंड एंड सच दैट दैट एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे हम ये वाई स्क्वायर रख सकते हैं. दिस वाई स्क्वायर गिव्स यू अ वैल्यू विच इज नथिंग बट क्योंकि ये फंक्शन है हमारा रूट ऑफ एक्स तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर विच एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी वाई यानी वो फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई एक्स इज डिफाइंड एंड सच दैट कि जो फंक्शन है उस फंक्शन में अगर वो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यू ऑलवेज गेट दैट वैल्यू y जो हमने अज्यूम करी यानी यूनिक वैल्यू आपको वो मिल रही है हर बार तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन ऑन टू फंक्शन. और ये दोनों चीजें आप ग्राफ से ऑटोमेटिकली मेक आउट कर सकते हो. लाइक ये तो हमने बेसिकली पूरा मेथडोलॉजी लगा दी बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट अ ग्राफ ग्राफ के अंदर कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है आप देख सकते हो. तो इसका मतलब है एक एक हर एक वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी सो दैट इटसेल्फ इज एक्चुअली वन 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 पे वन वन पे वन कहीं भी आपने एक्स ले लिया उसके अकॉर्डिंगली यू गेट ए वाई. तो वन वन तो ऑलरेडी आप दिख रहा है और हर वैल्यू कहीं भी आपने एक वैल्यू कोई भी वैल्यू वाई ले ली तो वाई के करस्पॉन्डिंगली एक एक्स भी तो अकॉर्डिंगली मैप कर सकते हो. यू नो व्हाट यू आर एक्चुअली आई ड्रू अ बैड एग्जांपल. तो एक कोई भी वाई वैल्यू यहाँ पे आपने मान ली ये इस वाई के करस्पॉन्डिंग यू आर एबल टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज ऑल्सो डिफाइंड पूरे रेंज में डिफाइंड है कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर डिफाइंड नहीं है. तो दिस इज डिफाइंड यानी इट इज नॉट ब्रेकिंग एनीवेयर एंड इट इज यूनिक ऑल्सो सो दैट इज ऑन टू यानी हर वैल्यू ऑफ द रेंज पे यू विल हैव अ प्री इमेज. ये प्री इमेज हो गई इसकी एक्स एंड मेक सेंस. यस सर. तो इसका जो फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑन टू में वैसे ये लिखा जाता है आई थिंक देर इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट. तो वो एक क्वेश्चन पकड़ के ना उसमें से मतलब यू कैन बेसिकली एब्जॉर्व इट कि क्या है. लाइक फर्स्ट थिंग ये तो सही है इससे आप एक्स की वैल्यू निकालते हो एंड व्हाट वी से इज कि ये डिफाइंड वैल्यू कोई भी जगह पर ब्रेक नहीं होगा हर हर वैल्यू वाई के लिए एक्स वैल्यू डिफाइंड है. और दैट्स व्हाट यू put it in a statement क्योंकि जब आप x fx की वैल्यू निकालते हो according to this तो ultimately you land up with y and that actually serves as the argument कि आपने जो भी x की वैल्यू ली उससे आपको y मिल रहा है which is you know putting according to the equation you wrote x equals to y square even if we take a negative value of y we should still get a value of x. बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई डिफाइंड है नहीं ना इसके लिए. नहीं बट जो आपने नीचे इक्वेशन बनाई उसके हिसाब से तो एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई भी डिफाइंड होनी चाहिए था. हाँ बट इट इज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई इन द रेंज रेंज के लिए डिफाइन करना है ना हमको. अब इन जनरल अगर आप बात करो तो एक अलग चीज होती है. वी हैव टू टॉक अबाउट द फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज डोमेन एंड रेंज. ओके आप उससे बाहर जाओगे तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम फंक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. फंक्शन तो एक डोमेन और रेंज के बीच में डिफाइन करते हो ना. यस सर. ठीक है जी. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लाइक हाउ द यू नो द मैप एंड द ग्राफ वुड कोरिलेट एक्चुअली. तो अगर आपको कहीं पे ऐसे मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू जो ग्राफिकल मेथड इज मोर यू नो इट्स मोर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहीं कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी कंपटीशन में आप अपेयर करोगे तो आप हर बार ये चीज नहीं निकालोगे कि मैं बैठता हूँ एक शीट ऑफ पेपर लेके आपने उसका ग्राफ बनाया आपको पता है व्हाट इज वन वन एंड व्हाट इज ऑन टू
यू क्विकली डोमेन और रेंज पता है उसके हिसाब से यू कैन क्विकली फाइंड आउट. यस सर. व्हाट इज द सेकंड वन एंड लेट्स सी इफ यू कैन क्विकली फाइंड दैट वन. fx equals to 1 by root x. fx is equal to 1 by root x. तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. x एंड y. श्रेय एग्री करते हैं? यस सर. तो ये किस पर नहीं डिफाइंड है? इसकी इसकी डोमेन क्या हो गई? फ्रॉम वन टू पॉजिटिव इंफिनिटी. इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? वन इज इंक्लूडेड, पॉजिटिव इंफिनिटी इज एक्सक्लूडेड. श्रेय सर, नॉट इंक्लूडेड जीरो टू इंफिनिटी. ओ राइट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया. क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जीरो पे ही नहीं है, बस एग्जिस्ट करती. यहां पे जीरो है ना, तो ये वाली चीज ट्रू है. यस सर. रेंज सर, रेंज भी सेम है. यस सर. रेंज भी ये जीरो. यस सर. और ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी. तो क्लियरली ये स्टोरी हो गई. अब आप मुझे ये पार्ट को आप देखें, क्या इज इट ए वन वन? यस सर, वन वन है. एंड इज इट ए वन टू? यस सर. तो यानी इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. अब बताओ तीसरा. fx is equal to x. बट ऐसे आपको मतलब यू डोंट हैव टू डू इट इन योर एग्जाम बाय द वे. ये से देख के मुझे पता चल ये वाला तरीका होगा, है ना? बोर्ड में आएंगे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दिस प्रीटी मच लाइक इट वुड बी 3-2 मार्क क्वेश्चन एटलीस्ट. अगर एक चीज पूछ रहा है तो सम का पूरा पूछ रहा है, बाइजेक्टिव भी पूछता है तो ज्यादा. हाँ जी, थर्ड वन. fx is equal to x square. x square. श्रेय बताओ भाई कुछ तो. मैं एक पैराबोला है सर. पैराबोला तो इधर सर दो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में भी सेकंड में. तो आपने कहा था ये कोई लॉ ब्रेक कर रहा है, कोई फंडामेंटल. हाँ, लॉ ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते हैं ना. अब एक एक्स के लिए वैल्यू देखते हैं कि कितनी वैल्यूज अचीव कर रहा है. इज इट ब्रेकिंग द लॉ? ओ नहीं नहीं. एक एक्स के लिए एक ही तो वैल्यू है भाई. एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू है. ये एक्स कुछ होगा, ये अलग कुछ होगा. यस सर. है ना? तो दिस इज अ फंक्शन. पैराबोला इज अ फंक्शन. एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन. यस सर. तो इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं इसको. तो आर डोमेन इज आर. यस सर. यस सर. और रेंज पूरी थोड़े आएगा. नेगेटिव इंटीजर्स तो आए लाइक. अच्छा, एक्स के लिए आ रहे हैं, वाई रेंज के लिए नहीं आएंगे. सॉरी, रेंज जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी. अब वन वन बताओ इसको.
नॉट वन वन बिकॉज सेम वाई के लिए दो एक्स है तो वन वन इज लाइक फॉर ईच ईच वैल्यू एक्स. हम क्या बोलते थे एक्स एंड वाई अगर एक ही दो पॉइंट ले लें so like it's correct. For one value of x there is a unique value of y yani same value of y is existing for two different points jaise ek horizontal line bana rahe hain ek ye aur ek ye same value of y which is here exists for two values of x could be yahan pe x1 aur yahan pe x2 तो ये कंडीशन x इक्वल टू y नहीं होगा x1 इक्वल टू y और x2 इक्वल टू y हो रहा है इधर वैल्यू एक पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज नॉट वन वन. व्हाट अबाउट ऑन टू सर है I don't think so, क्योंकि like हमने range है तो R से R define करी थी. For each value of y in the range, can I find a value of x? Oh yes, है it is. ऐसा तो नहीं है कि नहीं है. Let's say इसको थोड़ा सा देख लेते हैं confusion हो रही है तो. Let that value of y be, let the value of function be y, कोई भी एक value. तो y के लिए if we want to equate it to fx equals to y, तो यानी हमारा x square equals to y, तो x की value plus and minus y is defined. Okay, not this value. It is going to be square root of y plus and minus. But that for all the values, this value exists. कोई भी ऐसी चीज के लिए ये value exists करेगी. और इन इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप इस वैल्यू को अगर सेम आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंगिंग टू जीरो टू इंफिनिटी वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x और f ऑफ ये वैल्यू x की वैल्यू यानी हमारी क्या है x की जगह पे हम प्लस एंड माइनस जो भी इंफिनिटी एक बार आप ये केस ले सकते हो एक बार ये वाला केस ले सकते हो दोनों ही केस में या आप लीजिए दैट वैल्यू विल गिव यू x x स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे प्लस एंड माइनस y स्क्वायर और दोनों ही बार में यू गेट अ सेम वैल्यू ऑफ y. तो यानी ये कंडीशन बेसिकली इज एक्चुअली हैपनिंग किसी किसी केस में ऐसा नहीं आएगा तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज एटलीस्ट ऑन टू यानी आपको हर वैल्यू के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू तो है ही है ना ऐसा तो यानी कि उसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करती इवन दो देर आर टू प्री इमेजेस इन दिस केस विच इज ओके. ऑन टू फंक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको ऑन टू फंक्शन मिलेगा तो ये वैल्यू इससे ही मैप हो रही है योर प्री इमेज कुड ऑल्सो बी सॉरी योर इमेज कुड बी मैप टू टू डिफरेंट प्री इमेजेस ऑल्सो राइट. बट ये कि हर उसके लिए होना चाहिए यहाँ पे एक प्री इमेज होनी चाहिए ऐसी कोई भी वैल्यू खाली नहीं रह जाए जिसके लिए यहाँ पे एक प्री इमेज ना एग्जिस्ट करे सो दिस वुड नॉट बी एन ऑन टू अगर यहाँ पे एक डॉट भी बच जाता है बट इफ दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट दैट मीन्स देयर आर फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ Why there certainly is at least a value of x which is defined such that us value of x pe agar aap function compute karo to you get the same value of y matlab argument to yahi hai to aap yahan pe do cases bhi le sakte ho ki yani do tarike ki value aa rahi hai to iske liye bhi agar aap function ko main put karoge to bhi y aayega negative value ke liye put karoge to bhi y aa raha hai so you still getting the same value राइट सर
यस सर और क्या है इसके बाद? सर डेक्स्टर इफेक्ट इज इक्वल टू 1/x2 तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा 1/x2? The graph should be rectangular hyperbola in the first and the second quadrant. क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर रहेगी, y की वैल्यू ऊपर रहेगी, यानी कि नीचे नहीं आएगा. 1/x2 जैसे 1/x का ग्राफ है उसी तरीके से ये थोड़ा सा और स्टीप जाएगा. आई मीन इन कंपैरिजन टू 1/x इट वुड बी मच मोर स्टीपर. And it would be symmetrical. Yes, sir. Yes, sir. ये word भी हमको पता होना चाहिए कि when we are saying that it is symmetrical, that means we are talking symmetrical in what quadrant? 1 and 2 here. And मैंने symmetry नहीं बन पाने दिया. I find out. Okay. F x is x and y. 1/x. So as you can see, domain wise तो ये पूरा है ये, और range wise not included. But zero domain में भी तो include नहीं होगा ना. Correct है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Minus. So minus infinity to zero not included. हाँ, minus zero लिख सकते हैं इसको. Yes, sir. Yeah, minus infinity to zero, zero being excluded and zero to infinity, वो भी लिख सकते हैं. Union, minus infinity to zero, union, zero to infinity, ये भी लिख सकते हैं. दोनों ही चीजें valid है. Range wise, zero से ऊपर है, तो zero to infinity. Yes, sir. आप बताइए कि ये 1-1 है या नहीं है. 1-1 की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर ईच एलिमेंट इन ए यानी योर डोमेन यू हैव एन यूनिक इमेज. तो हर एलिमेंट के लिए है, हर एलिमेंट जो डोमेन में है उसके लिए कुछ ना कुछ इमेज तो बनी हुई है भाई. यस सर, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन टू बी आर. x के लिए ये y वैल्यू है, x के लिए इस वाले x के लिए भी है. सो दैट मीन्स वी आर सीइंग इट एनी इफ आई टेक f x इज इक्वल टू f x इक्वल्स टू f y. अगर दो पॉइंट ले लेता हूं मैं जो सेम वैल्यू, कैसे है ये भैया 1-1 कैसे है बताना जरा. f x इज इक्वल टू f y, मैंने दो पॉइंट ले लिए and I try to equate the value of fx is equal to fy. So 1/x² equals to 1/y² x² जहाँ x की value domain के हिसाब से zero नहीं है, तो यानी दोनों value defined है, तो x² is equal to y² तो x equals to plus and minus value of y. Yes sir, मैंने गलत बोल दिया. यानी इसका मतलब है सेम वैल्यू ऑफ y दो वैल्यूज ऑफ x तो हो रही है. दैट मीन इट इज नॉट अ 1-1. तो 1-1 के लिए अगेन एक वैल्यू लीजिए और क्या वो दो डिफरेंट वैल्यूज पे एग्जिस्ट करती है, तो वो इट्स नॉट द केस तो वो है. तो ये जैसे यानी जो सिमेट्री वाले फंक्शन आ गए इस तरीके के,
दैट टू इन द सेम यू नो सेम साइड ऑफ वाई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, तो वो नॉट वन वन हो गया. व्हाट अबाउट ऑन टू? सर ऑन टू है. ऑन टू के लिए क्या क्या रखते हैं हम लोग? फॉर ईच एंड एवरी इमेज, यानी हर इसके लिए वी कैन फाइंड अ वैल्यू और जिससे करेक्ट है. ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें. जीरो टू इंफिनिटी, लेट्स से वी टेक अ वैल्यू वाई सच दैट वी इक्वेटेड टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और एक्स की वैल्यू कम्स आउट एज वन ओवर रूट ऑफ वाई. ये आई की वैल्यू. तो अब वाई की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी में दिस इज डिफाइंड, यानी एक्स इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, और ये पॉजिटिव है सारी, तो यानी ये रूट ऑफ वाई इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. सो व्हाट आई विल से इज फॉर वाई बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा इंफिनिटी रूट एक्स, और एक्स इक्वल टू वन ओवर रूट वाई इज डिफाइंड एग्जिस्ट such that fx equals to f of 1 over root y such, you know, gives you a value of 1 over x square ki jagah pe hum root of y. Okay, kya tha f? Haan, so ye value, one of ye ho gayi value, and this gives us 1 over x square hai, to 1 over root y. Yahan pe x की जगह पर 1 ओवर रूट वाई स्क्वायर, विच एक्चुअली गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ y. तो हमको जो रिजल्ट है वो y आ गया. दैट मींस दिस इज अ ऑन टू फंक्शन. ठीक है जी. यस सर. नेक्स्ट वन प्लीज. सर नेक्स्ट वन एक्स क्यूब है. एफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? लाइक an upward parabola but cut into half, like first quadrant mein aadha upward parabola and third quadrant mein aadha. So minus infinity pe ye minus infinity hoga, zero pe zero hoga, plus infinity pe plus infinity hoga, correct hai. So it's up, you know, half mein upward facing, isme downward facing. And that's accurate. So domain wise kya hai ye? Koi aisi jagah hai jahan pe define all real values. It's all real values. Range wise kya hai? All real values. All real values. All real values hai na. Ab rahi baat iske 1 1 and on 2 ki, to 1 1 pe dekhna hai to koi bhi aise function value leke us function ke you know kisi bhi function pe iski दो सेट ऑफ वैल्यूज, एक से ज्यादा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकल के आ रही है या नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही. तो नहीं आ रही ना, क्योंकि कहीं भी ये सिमेट्रिकल नहीं है, या कहीं भी ये इट्स नॉट गिविंग यू टू सेट्स ऑफ वैल्यूज फॉर द सेम सेट ऑफ y. सो दिस इज अ वन वन. एंड द अदर वे अराउंड, अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी है सर. हाँ यस सर, क्योंकि सारी रेंज की वैल्यूज डोमेन में. तो अब सारी रेंज की वैल्यूज के लिए सपोज एक रेंज की वैल्यू वाई ले लो, उसमें आपका ये फंक्शन इसके बराबर, यू नो लेट दैट फंक्शन बी इन एफ एक्स, एंड वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस, give you this value of y, which gives you in this case cubic root of y,
और ये वैल्यू y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब आपकी यानी इसका मतलब x की वैल्यू हर वैल्यू y के लिए डिफाइंड है, क्योंकि रेंज 0 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के लिए क्यूबिक रूट ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड. सो वील से दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ यू नो y बिलोंगिंग टू r, x is defined such that f of x or f of root of cubic root of y gives you cubic root of y whole cube, which gives you value of y, and that actually proves that it is an onto function. Fx equals to cube root of x. इसमें और इसके ग्राफ में क्या अंतर है? ये बस अब x एक्सिस में होगा. ये x की तरफ जा रहा होगा ऐसे. यस सर. एंड अगेन इसकी डोमेन भी r है एंड रेंज भी r है. एंड इट इज ए 1-1, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऑफ x यहां ले लो, इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, उसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो यूनिक की वैल्यू आएगी. तो दिस इज अ 1-1, या आप बोल सकते हो x और y की वैल्यू यहां रख लीजिए तो आप x इक्वल टू y ही निकल के आएगा. एंड ऑन टू यस सर, ऑन टू भी है. और इसके बाद फिर इसका fx is equal to a to the power x where a is greater than 1. ये functions जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं exponential function. इसमें एक condition और होती है, which यहाँ पर a की value 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर a की value 1 हो गई तो ये तो constant हो जाएगा. And also a is not a negative value also. तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसकी लेट्स से ये x है, ये y है, तो a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आई मीन लेट्स अज्यूम सम वैल्यू a ग्रेटर देन 1, लेट्स से 2, सो लेट्स कॉल इट एज 2 की पावर x, जस्ट एग्जांपल, वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर 2 की पावर x, बट अगर ये 2 की पावर x है तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 0, x इक्वल्स टू 0, 1, राइट? तो यानी ये की पावर 0 भी 1 होगा, यानी ये सारे के सारे पर 1 से जाएंगे. दे विल कट द y एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y विल बी 1, और इसकी वैल्यू फॉर नेगेटिव, सपोज नेगेटिव 1 हो गया, यानी दिस वुड बी हाफ, यानी अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो दिस वुड बी काइंड ऑफ गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बिकॉज ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो 1 upon 2 square, 1 upon 2 cube, 1 upon 2 raised to the power 4. But can this be a negative value? No, sir. इसकी lowest value क्या हो सकती है?
पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो सकता है वैल्यू, क्योंकि सब एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकते हो, तो यस नेगेटिव इंफिनिटी क्योंकि अबाउट जीरो, 1/2 इंफिनिटी इज अबाउट जीरो। तो यानी यहां पे अगर कितना भी नीचे जाओ तो ये ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा। एंड व्हाट अबाउट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव 2^1 पे 2 वैल्यू हो जाएगी, तो ये बढ़ता जाएगा। या यस तो इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड वेदर वेदर इट इज 2^n 3^n, नेचर ऑफ द कर्व विल बी सेम। बट अगर यहाँ पे 2^x की जगह a ग्रेटर देन 1, लेट्स से कुछ और वैल्यू होती मे बी 3^n, तो इसके कंपैरिजन में 3^x सपोज मे बी आई शुड क्वालिफाई लिटिल, जैसे ये 1 2^ यानी 1 पे ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो सम वॉट यहाँ पे ये आ गया। तो आई एम सेइंग कि या 1 के ऊपर ये वैल्यू 2 हो रही है, तो यानी दिस ग्राफ शुड पास दिस वैल्यू विच इज 2 तो अगर 3^x का कर्व होगा इससे किस तरीके से मैटर करेगा, लाइक हाउ हाउ डिफरेंट वुड इट बी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या कनेक्शन होगा, एंड वुड देयर बी समथिंग यू नो ओवरलैपिंग। be the right hand side would be more steeper. तो राइट हैंड साइड वैल्यू और ऊपर चले जाएगी ऐसे, तो अगर ये 2^x है ये 3^x हो जाएगा, ये कोई और भी हो सकता है वो भी हो सकता है। और नीचे इस साइड जाओगे तो ये ऐसे होएगा नीचे, बिकॉज द बिगर द वैल्यू वो नेगेटिव साइड में वो छोटी होती जाएगी, राइट। यानी 1/ या यू कैन से 2^-1, विच इज -1 वैल्यू, तो -1 इज एक्चुअली 1/2, राइट, यानी हाफ होगा, ये हाफ होगा, अगर 3^-1 करोगे दैट इज 1/3, दैट इज 1 हाफ देता, तो ये जो 3^x है बिलो 2^x फॉर x लेस देन 0, एंड इट वुड लाई अबव 2^x फॉर x ग्रेटर देन 0, both will intersect for x equals to 0। है ना, तो अब इसकी डोमेन और रेंज देखें, तो डोमेन इज पूरी रियल नंबर, रेंज इज 0 to पॉजिटिव टू 0 to +1। करेक्ट, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर यू नो a^1, क्योंकि a अगर ये a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इट वुड बी कांस्टेंट, ये बन जाएगा, ये कांस्टेंट है और a इक्वल टू, सो एंड दिस a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। अब इसके 1/1 और 1/2 की क्या कहानी है, यानी a^x को अगर हम कंपेयर करें फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज, तो फॉर 1/1 आई कैन से f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, दैट मीन a^x इक्वल्स टू a^y, दैट गिव्स यू सेम बेस है, तभी हो सकते जब इनके यू नो पावर सेम होगी, तो दिस इज द 1/1, आप देख भी सकते हैं कहीं भी एक y वैल्यू पर a की वैल्यू निकलती
सही बात ऑन टू की, तो क्या बोल सकते हैं इसके ऑन टू होने का, ए रेज टू द पावर एक्स के ऑन टू होने की क्या कहानी है? तो वैल्यू वाई एंड टेक इट एज एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इज ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, है ना? अब इसको एक्स की वैल्यू में क्या किया जाता है, अगर किसी एक्सपोनेंट, इफ सम एक्सपोनेंट इज इक्वल टू ए नंबर, तो वो जो नंबर है वो निकालने के लिए यू टेक द लॉग, यू कैन टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग टू द बेस ए ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, दोनों का लॉग निकाला टू द बेस ए, दिस वैल्यू इज एक्स, एक्स लॉग ए टू द बेस ए, क्योंकि ये पावर साइड में आ जाती है. डज दैट रिंग ए बेल श्रेय हरी? तो यस सर, यस सर, एंड दिस गिव्स यू अ वैल्यू एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई, यानी आपका एक्स इज गोइंग टू बी अ लॉग फंक्शन रिलेटिंग दिस वाई. तो आप खुद देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, यानी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई के लिए आपका लॉग डिफाइंड होता है, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, बट लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई. तो यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई विच आर 0 टू इंफिनिटी यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ लॉग दैट, यानी हम यही वही से फिर से लिख देंगे, एंड हाउ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी एक्स इज डिफाइंड, एक्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, सच दैट ए रेज टू द पावर एक्स है, एक्स की जगह आ जाएगा लॉग वाई टू द बेस ए, एंड दिस वैल्यू इटसेल्फ ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वाई ए टू द पावर लॉग ऑफ नंबर टू द सेम बेस एज द एक्सपोनेंट इज एक्चुअली वाई. या तो ये ऑन टू भी है, यानी दिस फंक्शन टर्न्ड आउट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो मोर और लेस ज्यादातर रियल फंक्शन में हमने ये तो देख रहे हैं कि जहां सिमेट्री नहीं है वहां पे बाइजेक्टिवनेस तो चली आ रही है एटलीस्ट, यानी ऑन टू है वो, जो स्क्वायर फंक्शन था वो नहीं था अभी तक. नेक्स्ट क्या है इसका? आई थिंक इसी का पार्ट है जो नेगेटिव वैल्यू, तो ए इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 1, ए इज बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1. ये समझ में आया ये वाला? यस सर. ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं. इसमें और इसमें क्या कहानी में अंतर आएगा? ए की वैल्यू 1 तो है नहीं, तो कोई वी टेक अ वैल्यू ऑफ यू नो 1/2, कोई भी 1/2 की पावर एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? यू नो इसमें एक्स की वैल्यू या तो आप लेस देन 0 ले लो, एक्स की वैल्यू 0 ले लो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 0 पे 1 हो रहा है, तो यानी यहां तो आएगा ही आएगा एक्स की, यानी इस पे फंक्शन विल बी, इस पे कहां जाएगा? एक्स लेस देन 1 पे, सॉरी एक्स लेस देन
जीरो पे कहाँ आएगा? सपोज आपने वैल्यू ले ली माइनस हाफ, यू नो लेट्स से 1/2 रेज टू द पावर माइनस हाफ, दिस टर्न्स आउट टू बी 2 की पावर 1/2 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी ना. तो यानी माइनस 1 पे दिस वुड बी स्लाइटली मोर, यानी ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसका नेचर ऐसा जाता है. और अगर ग्रेटर देन 0 पे जाएं तो यानी अगर यहाँ पे सपोज 2 ले लेते हैं, तो ये 1/2 है. इस केस में हम ले सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 1/4. 1/4 कहाँ आ जाएगी? फॉर एक्स इक्वल्स टू 2 वी आर टेकिंग, यानी ये अगर 1 है ये अगर 2 है तो इट इज 1/4, यानी और कम. सो व्हाट यू आर सीइंग इज अ डिक्रीजिंग काइंड ऑफ अ ट्रेंड, डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका नेचर ऑफ कर्व इसका एग्जैक्ट यू कैन से मिरर इमेज y equals to you know x equals to 0 में. तो ये फंक्शन ऐसे जाएगा, ऐसे या दूसरा क्वेश्चन मेरा वही स्टैंडर्ड. अगर a की वैल्यू अगर ये जैसे 1/2 है तो 1/3 का कैसा ग्राफ होएगा? 1/3 और 1/2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा? ये सपोज हमारा 1/2 का फंक्शन है तो 1/3 रेज टू द पावर x आ जाएगा. तो 1/3 की पावर अगर मैं माइनस 1 करता हूँ लेस देन, तो इट वुड बी 3. सॉरी ये माइनस 1 क्यों किया मैंने यहाँ पे? माइनस आई शुड हैव टेकन माइनस हाफ पे इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो माइनस हाफ, दिस वाज एट माइनस हाफ राइट? सो दैट वाज द पावर फॉर द एक्स की वैल्यू तो पावर में ही जा रही है ना, ये एक्स ही तो हुआ. Oh, yeah. और माइनस 1 पे इट वुड बी 2. तो ये अगर सॉरी ये माइनस वन ले लेते हैं और इसको कर देते हैं 2, दैट वुड बी बेटर. एटलीस्ट क्लियर देखेगा ये इक्वल मेजर में. तो दिस वुड बी मोर लाइक इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू, तो एकदम से ऊपर चढ़ जाएगा. और अगर अगर यहाँ पर 1/3 होता और माइनस 1 पे लेते तो 3 हो जाता. तो यानी अगर 1/2 रेज टू द पावर x लो और 1/3 रेज टू द पावर x लो तो ये वैल्यू और ऊपर जाएगी, यानी ये नीचे जो जा रहा है और इस साइड ये ऐसे जाएगा इस तरफ, ये भी 1/3 रेज टू द पावर x का. या और इसके डोमेन रेंज आप देख ही रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वहां जैसी, और बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करेगा. एंड दैट इज फॉर यू टू प्रूव कि मतलब आप प्रूव कर सकते हैं सेम चीज. आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन द प्रूफ. ठीक है. ई रेज टू द पावर एक्स इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ दिस ओनली. जो मैंने आपको e raised to the power x बताया था, ये e is a value which is 2.7 somewhere around that. तो यही चीज इसमें भी एप्लीकेबल होगी, जैसे यहाँ पे बनाया है 2 और 3 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, बाकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी. और log जो है, log इसका मिरर इमेज होता है एक्चुअली इन y इक्वल टू x लाइन. इसका और लॉग का रिलेशन इज ऑलमोस्ट यू नो जैसे हम बोलते हैं ना कि
एंटी एक्सपोनेंट, इट इज इट लॉग इज लाइक एन एंटी एक्सपोनेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यानी आप जिस नंबर द एक्सपोनेंट को से अगर आप नंबर को मैप करना है तो यू हैव टू टेक द लॉग वैल्यू फॉर दैट. जैसे y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x होता है, तो log यानी अगर एक नंबर को एक यू नो टू रेज टू द पावर किसी नंबर के करेंगे तो यू गेट अ वैल्यू. अगर आपको ये नंबर वापस चाहिए तो उसके लिए आप इन इसका log ले लीजिए. टू द सेम बेस, जिस बेस पे इस नंबर को रेज किया है, दैट गिव्स यू बैक. दिस वैल्यू इज ऑलवेज वन. log of a number to the same base, logarithm basically of a number to the same base is 1, so that gives you x as log of that value, jo exponent value hai. So in dono ke beech mein relation is like the same way. So aap iska graph khud se soch ke batana mere ko. I'm giving you input on this, so ek bar aap khud value. Log is not defined for negative values, by the way. Negative values of y के लिए y cannot be negative. Y is positive. Y is always greater than zero. Even though the log value itself can be negative. Log negative, positive दोनों ही चीजें हो सकती है, but log for negative numbers is not defined, है ना? आप इसको अपने हिसाब से करना. And we will call it off like class, at least इसको math की class को आज यहीं तक wrap करते हैं. I hope it made sense to you guys, है ना? Yes sir. और मैंने आपको एक sheet और भेजी है, उनको भी करना. Follow due diligence, follow the process. Don't try to skip the steps. जहाँ ज़्यादा obviously repetitive question है, there you can do it. बट अगर थोड़ा सा भी सीमिंगली डिफरेंट हो तो आई विल एनकरेज यू टू डू इट. वो उससे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है.